गाजीपुर में स्वॉट टीम व दिलदार नगर पुलिस ने शुक्रवार की सुबह दिलदार नगर के कुशी गांव के समीप 80,45,000 रुपए के हीरोइन संग पति पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से कुल 845 ग्राम हीरोइन बरामद किया गया है। इस अवैध कारोबार के मास्टरमाइंड नाबालिग पुत्र की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस की अभी तक की जांच में यह सामने आया है कि यह सभी बिहार से हीरोइन लाकर जिले में सप्लाई करते थे। पुलिस अधीक्षक रोहन पी बुत्रे ने अभियुक्तों को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए बताया कि एनटीपीसी एक्ट में वांछित अभियुक्तों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत शुक्रवार की सुबह दिलदार नगर प्रभारी निरीक्षक अशेष नाथ सिंह और स्वॉट टीम प्रभारी रामाश्रय राय, उप निरीक्षक सुनील तिवारी हमराइयों संग दिलदार नगर में गश्त पर थे। इसी बीच कुशी गाँव के समीप 3 लोग दिखाई दिए। आशंका के आधार पर पुलिस ने कुशी गांव के ही मंगलम सिंह कुशवाहा, इसकी पत्नी मनकेश्वरी देवी के अलावा रीता देवी को हिरासत में ले लिया। इनकी तलाशी ली गई तो मंगला सिंह कुशवाहा के कब्जे में एक तमंचा, एक कारतूस व 367 ग्राम हेरोइन, मनकेश्वरी के पास से 333 ग्राम और रीता के कब्जे से 115 ग्राम हेरोइन बरामद हुआ। इनके मोबाइल का CDR निकालकर पुलिस अभी और जांच पड़ताल कर रही है। SP ने बताया कि आवश्यक कार्रवाई के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया है।